गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में देर रात दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में सुरेंद्र ढाका अपने परिवार सहित दो मंजिला मकान में रहते हैं। सुरेंद्र ढाका मूल रूप से ढिकोली बागपत का रहने वाला है। काफी समय से बलराम नगर में परचून की दुकान करते हैं, साथ के साथ ब्याज पर पैसों का लेन देन भी करते हैं। रवि ढाका ने पुलिस को सूचना दी कि उनके माता पिता की हत्या कर दी है। हालांकि हत्या का मकसद अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं घर में रखी अलमारियों के दरवाजे भी खुले हुए हैं और सामान फैला हुआ है। मृतक सुरेंद्र के पुत्र रवि ढाका ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं चल रहा है। उनका परिवार एक सामान्य परिवार है और उनके पिताजी पैसे का लेन देन करते हैं, जबकि माता स्वास्थ्य विभाग में एएन के पद पर से रिटायर है। डॉक्टर इराज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हत्याकांड की सूचना मिलने पर पुलिस और अधीक्षक ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि हत्या का कोई ठोस कारण अभी सामने नहीं आया है। वहीं हत्याकांड की गहनता से जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंची है। डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि हो सकता है आरोपियों ने पुलिस को ध्यान भटकाने के लिए अलमारी व दरवाजे खोल दिए हों। पुलिस लूट के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है या किसने इस हत्या को इस अंजाम दिया है। लोनी से यूसुफ मलिक के साथ में इकरार कसगर की खास रिपोर्ट। देखिए आखिरकार इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और हर पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा है। आखिरकार इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हर आदमी डरा हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इसको बारीकी से छानबीन कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में तो यानी लेकिन वहाँ हो रही नीचे वो सामान वामान की डरा जो और किसी ने चोरी की भी करा देखो सारा सामान निकला पड़ा। मम्मी के कानों के कुंडल नहीं है और मम्मी के गले में तार था और गला घोट के उनकी हत्या करी गई। ये थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत एक कॉलोनी है बलराम नगर डी ब्लॉक में। यहाँ पर एक घर में एक बुजुर्ग दंपति सुरेंद्र सिंह ढाका जी और उनकी पत्नी जो कि 70 वर्षीय और 63 वर्षीय थे दोनों लोग, उनकी बॉडी यहाँ पर मिली है और देखने से प्रतीत हो रहा है कि गला दबाकर इनकी हत्या की गई है। तो घर में कुछ सामान भी बिखरा हुआ है। तो दोनों ही एंगल हो सकते हैं कि लूट की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया हो, क्योंकि ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। मौके से कोई फोर्स्ड एंट्री वगैरह चीज़ें नहीं, बाकी हम चीज़ें देख रहे हैं। फील्ड यूनिट हमारी मौके पर है, सारे पहलुओं पर हम काम कर रहे हैं कि अगर कोई घटना हुई है लूट के साथ मर्डर, उस पर भी काम करेंगे और क्या ध्यान भटकाने के लिए भी घटना की गई उस पर भी हम काम करेंगे। बहुत ही जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाए।